नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं गांव अटावड़ा में हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि महेंद्र भाटिया डॉक्टर हैं गांव उरलाना से, उनके लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और महेंद्र भाटिया जी की दुकान गांव में है। तो अभी हमारे साथ मेंबर हैं जसमेर पंडित जी गांव के। तो सारा जो भी चीज़ें हुई हैं पंडित जी से पूछ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब सर बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि जो ये महेंद्र डॉक्टर का लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया है और महेंद्र डॉक्टर जो है इस टेस्ट के लिए गए हुए हैं कि वो स्वस्थ हों, और ताकि हमारे गांव पर ये संकट जो मंडरा हुआ है, लोग सदमे में हैं, इससे हम मुक्ति पा सकें। और हम प्रशासन से ये विनती करते हैं, अगर कोई अनहोनी होती है तो गांव को मतलब जो है पूरे उसमें लेकर के अपने कब्जे में, और टेस्टिंग इनकी जो है शुरू करें। अच्छा सर, मुझे ना पूरा किस्सा समझाइए, क्या कुछ है, कैसे महेंद्र जी डॉक्टर हैं या नहीं हैं। मुझे कुछ सुनने में आ रहा है वो उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है और वो वैसे ही करते हैं। थोड़ा इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं सर। डॉक्टर महेंद्र जो है यहाँ अपने फादर है, उनके फादर जो है RMP डॉक्टर हैं और वो लंबे समय से गाँव में कार्य कर रहे हैं। और महेंद्र डॉक्टर अपने फादर के साथ जो है बचपन से ही आता रहा है, और अब उनके फादर यहाँ हमें देखने में कम मिलते हैं, और महेंद्र डॉक्टर उनके स्थान पर कार्य कर रहा है। और उनके पास लाइसेंस है या नहीं है इस बात का हमें पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके फादर का RMP लाइसेंस है। और ये जो कोरोना जैसे उनके लड़के को है, उनके लड़के क्या कुछ करता है, कहाँ से है? उनका लड़का पानीपत में हरीबाग कॉलोनी में रहता है, मैंने ऐसा सुनने में आया है, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। और महेंद्र डॉक्टर भी वहाँ अपने लड़के के साथ सहयोग करते हैं, और लड़का उनके साथ सहयोग करता है, क्योंकि ये उनका पारिवारिक मामला है, आपस में सहयोग होता रहता है। सर मैंने सुना वहाँ पे लड़के ने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है काबड़े रोड पे, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ही सुनने में आया कि उन्होंने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है। वो महेंद्र डॉक्टर यहाँ कई बार बोलते हैं कि मेरे लड़के ने जो फार्मेसी की हुई है, लेकिन हमें पता नहीं की हुई है कि वो कहता जरूर है यहाँ पर। सुनने में आई है, सुनने में आया है ये। हमने कभी उनके डॉक्यूमेंट चेक करने की क्या आवश्यकता है सर? जैसे कि ये जो इनके लड़का है, जब क्वारंटाइन हुआ, जब महेंद्र डॉक्टर तब भी आते थे यहाँ पे या नहीं आते थे? कहते हैं कि 28 तारीख को महेंद्र डॉक्टर के लड़के को क्वारंटाइन किया, उनके परिवार सहित क्वारंटाइन होता है, और महेंद्र डॉक्टर यहाँ 2 तारीख तक भी आते रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। उचित नहीं है तो जैसे अभी मुझे कुछ सुनने में आया, वो अपना यहाँ से जो उनकी दुकान है वहाँ से वो अपने जो उसके रजिस्टर हैं, दवाइयाँ हैं, दुकान खाली करने की कोशिश भी की जा रही थी, क्या ये चीज़ें सच हैं या अफवाहें हैं? इसमें जो है मैं मेरा नज़दीक घर के नज़दीक ही दुकान है उसकी, और वहाँ जो यहाँ जनता ने उनको देखा कि वहाँ उरलाना से उसने कोई व्यक्ति भेजा, और वो एक या दो पेटी दवाई की और कुछ बही खाता रजिस्टर रिकॉर्ड जो है वो बाहर निकाला हुआ था, और जनता ने उसको रोका, और यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं पुरुष इकट्ठे हुए, और फिर वो मेरे को भी बुला कर ले गए। फिर मैंने जो है अनहोनी घटना को देखते हुए उससे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप मत ये रिकॉर्ड मत ले जाइए, यहाँ पर जनता काबू में नहीं आएगी। और फिर महेंद्र डॉक्टर से उस लड़के ने मेरी बात भी करवाई। महेंद्र डॉक्टर ने ये बोला मेरे को कि मेरा रिकॉर्ड चोरी होने की संभावना है। तो मैंने उसको ये बोला, भाई डॉक्टर साहब अगर आप एक सामान चोरी होने की संभावना, तो ये सामान मेरे घर रखवा दीजिए ताकि जनता भड़के न। इसकी कुछ सूचना आपने पुलिस को भी दी या नहीं दी? इसके बाद एक जनता ने किसी व्यक्ति ने 100 नंबर पर फ़ोन किया, और फिर PCR आ गई। उससे पहले मैं अपने घर आ चुका था, बाद में फिर मेरे को बुलाया गया, और PCR ने जो है अपनी आंखों के सामने एक दूसरा ताला और दुकान पर लगवाया गया। और महेंद्र डॉक्टर को फ़ोन करके बोला गया कि भाई जब तक प्रशासन आपसे नहीं कहे ये रिकॉर्ड आपने नहीं उठाना है, ठीक बात है, दुकान को खोलना नहीं आपने जब तक प्रशासन की अनुमति के बगैर। अच्छा तो सर जो कल मेडिकल टीम आई हुई थी, उन्होंने क्या कुछ सैंपलिंग वगैरह ली है या क्या कुछ किया हुआ है? मेडिकल टीम यहाँ पर आई, और पहले भी इस प्रकार से यहाँ पर एक दो बार आई है,
वो पहले की तरह ही मतलब जो है वो इस प्रकार काम करके गई है। इसे कोरोना के बारे में उसने कोई विशेष कदम नहीं उठाया, सिर्फ उन्होंने इसके साथ लोगों की एक ये जोड़ा गया कि क्या आप दुकान के पास गए हो, दुकानदार के पास, डॉक्टर के पास कौन कौन गया है, उनकी शायद उन्होंने लिस्ट जरूर बनाई है। मतलब इस चीज़ को उन्होंने उस महेंद्र जी से जोड़ा जरूर है। तो अभी तक प्रशासन से जैसे वो काफ़ी लोग मिले हैं, क्या पता भगवान ना करे कि वो कोरोना पॉजिटिव हों। यदि वो कोरोना पॉजिटिव होंगे तो गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस टाइम पर भी। हाँ, जब गांव में अनाउंसमेंट हुई थी 11 बजे उसके महेंद्र लड़के की रिपोर्ट आने के बाद अनाउंसमेंट हुई, तो गांव उसी समय से सदमे में है और काफ़ी लोगों को रात को नींद भी नहीं आई। और इससे तो अगर महेंद्र डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाता है तो उसके संपर्क में लगभग जो है पूरा गांव आ चुका है और ये एक खतरे की बात होगी। प्रशासन ने इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए उसकी रिपोर्ट आते ही। और जैसे अभी लोग घरों में ही रह रहे हैं या घरों से बाहर भी जा रहे हैं? जैसे मैं भी देख रहा था गलियों में भी आदमी वैसे बैठे हुए थे, घूम रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लोग जो है लोग भी नियमों का पालन नहीं करते। कम से कम यहाँ 12 परिवारों के घर पर क्वारंटाइन का जो है बोर्ड चस्पा दिया गया है। 12 घरों पर वो चस्पा दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है घरों में नहीं रह रहे। आशा वर्कर उनको दिन में 3 बार जो है चेक करती हैं, वो जो है गलियों में घूमते हुए मिलते हैं। ये तो भी एक बहुत बुरी बात है। जो हमारे जो गांव की आशा वर्कर है उन्होंने आगे रिपोर्ट नहीं की कि वो घरों में नहीं रहते, तो प्रशासन उन्हें अपने अंडर क्वारंटाइन करे। प्रशासन अपने अंडर क्वारंटाइन नहीं कर रहा, आशा वर्कर डे बाई डे टाइम टू टाइम रिपोर्ट देती रहती है, ये घर घूम रहा है, ये घर में है, ये भाई ऑनलाइन जो रिपोर्ट भेजती रहती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मतलब प्रशासन अपने अंडर एक्शन नहीं किया गया है और न ही किसी को अपने अंडर में क्वारंटाइन किया गया है। और सर ये तो सबसे बड़ी बात है, खतरे की बात है कि अभी पानीपत के अंदर दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, कल 3 केस बढ़े हैं, और यदि ऐसे ही हमारी अचूक रही, गलतियां रही, हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय के लिए हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ये हमारे देश के लिए ही खतरा मंडरा रहा है, अगर ऐसी रहा तो गंभीर परिणाम होंगे जिनके बारे में हम भविष्य में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर आस पड़ोस के गांव वालों में भी भय जरूर पनपेगा यदि यहाँ से कोरोना पॉजिटिव मिले तो। ये बीमारी खतरनाक भले ही ना हो, लेकिन इसका नाम सुनते ही लोग जो है कांप उठते हैं। और मरना जीना इस बात का अलग महत्व है, लेकिन ठीक भी हो जाते हैं लोग, लेकिन इसके नाम से बड़े कांपते हैं। मतलब भय होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें जो है भय से जो हमारा धैर्य टूटता है, धैर्य टूटने से हमारी इम्यूनिटी पावर जो है कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम रोग से लड़ने की अक्षमता खो बैठते हैं और हमारी सूझबूझ खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इससे ज़्यादा भय खाने की जरूरत नहीं है और अपना बिल्कुल पूरी डाइट लेनी चाहिए ताकि हम लड़ाई लड़ सकें। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर जसमेर पंडित जी गांव के मेंबर गांव अटावड़ा, उनसे बातचीत हुई है, उनसे सारी चीज़ें जानी है, तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये मैसेज हर आदमी तक पहुंचे, और डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है, सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए अपने आप। यदि आपको आप कहीं ना ही भी जा रहे हैं, सीधी सी बात है, जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है तभी आप बाहर निकलें, अदरवाइज़ बाहर ना निकलें। तो वैसे हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कई जगह सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर हम जागरूक करके वहाँ पर सपोर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।